हेलो गाइस, तो मैं आई हूँ आज यूरोपा पार्क. दिस इज़ माय पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए काइंड ऑफ. तो सुबह सुबह हम लोग निकल चुके थे क्योंकि मेरे घर से ये थोड़ा दूर है, 3.5 hours की दूरी पे है. तो अभी 9 बज रहा है, 9 बजे ये पार्क खुलता है. हम लोगों ने ऑलरेडी ऑनलाइन टिकट परचेस कर लिया था, तो हम लोगों को टिकट नहीं ख़रीदना. यहाँ से हम लोग डायरेक्टली एंट्रेंस की ओर जा रहे हैं और ये है जर्मनी का सबसे बड़ा थीम पार्क, यूरोपा पार्क. यहाँ पर आपको यूरोप की हर एक कंट्री के थीम वाइज कुछ एक्टिविटीज़ एंड राइड्स मिलेंगे. सो हर राइड्स और एक्टिविटीज़ एरिया स्पेसिफाइड है विच कंट्री इट बिलोंग्स टू. तो बहुत ही बड़ा है. आई मीन आई हैव बीन टू डिज्नीलैंड, डिज्नीलैंड से भी मुझे ये बड़ा लगा और बहुत ज़्यादा कुछ है करने के लिए. तो ये वाला जो आपको राइड दिख रहा है, अभी मैंने उधर किया था कैमरा, वो है सिल्वर कोस्टर, विच इज़ द हाईएस्ट रोलर कोस्टर. और मैं वो ट्राई करने वाली हूँ आज. बहुत बहुत दिल में हिम्मत जगाया है कि उसमें मैं जा पाऊँ और ट्राई कर पाऊँ. तो मैंने डिसाइड किया है कि एज सून एज आई एंटर्ड आई हैव टू ट्राई दैट, बिकॉज उसके बाद मुझमें हिम्मत नहीं रहेगी कि उसको ट्राई करूँ मैं. तो अभी फ़िलहाल हम लोग ढूंढ रहे हैं वो राइट किस तरफ है. तो यहाँ पे मैप्स वगैरह मिलते हैं और आपको दिखेगा, मैं दिखाऊँगी कि मतलब कौन से वे में जाना है. तो उसके लिए जो दिया हुआ रहता है डायरेक्शन, वो भी लिखा हुआ रहता है कि कौन सा राइट किस तरफ है. तो हम लोग अभी सिल्वर स्टार ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो हमें सबसे पहले करना है और उसके बाद हम लोग दूसरा चीज़ें करेंगे. तो अभी जस्ट आई मैं सिल्वर स्टार करके और मुझे लग रहा है कि मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट लगा था कि मैं मरने वाली हूँ. ऐसा लग रहा था कि मैं स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ रही हूँ और वहाँ से मुझे फेंका जा रहा है. तो इट वाज रियली स्कैरी, बट यस, वर्थ इट. एक बार तो ट्राई करना चाहिए, चाहे फ़िलहाल आपको हार्ट अटैक ही ना क्यों आ जाए. तो उसके बाद सिल्वर स्टार के बाद हम लोग एक और दूसरा है रोलर कोस्टर विच इज़ नॉट दैट स्कैरी, उसको ढूँढ रहे हैं, जो कि आई थिंक रशिया में है. आई मीन द थीम इज रशियन थीम. तो वो उसमें जा रहे हैं अभी. तो चलिए चलते हैं उसके लिए. तो हम लोग बहुत देर तक, ऑलमोस्ट 1 घंटे तक इसके लाइन में खड़े थे और अभी अंदर जा रहे हैं ये रशियन वाला रोलर कोस्टर के लिए. होप के ये अच्छा हो, देख के तो अच्छा ही लग रहा है. थोड़ा डर लग रहा है बट इट्स फाइन. मैं सिल्वर स्टार कर चुकी हूँ तो मुझे इतना डर नहीं लगना चाहिए इसमें अभी. और इसके अंदर जाते जाते इस पर ऐसा स्पेस शिप टाइप सजाया हुआ था. आई मीन द थीम वाज काइंड ऑफ स्पेस शिप ही है पूरे रोलर कोस्टर का. तो उसको बस एक्सप्लोर करते करते जा रहे थे. फाइनली आई हैव डन दिस रोलर कोस्टर ऑल्सो और मुझे अच्छा लगा ये चीज़. सिल्वर कोस्टर से तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब उसमें तो मैं मरने वाली थी ऐसा लग रहा था, पर इसमें आई वाज ओके. तो अभी चलिए चलते हैं कुछ और फन राइड ढूंढते हैं और वो करते हैं. और इधर आप देख रहे हैं ये सैटरडे था तो इसीलिए इतना ज़्यादा भीड़ है अभी. तो थोड़ा बहुत वो तो लग रहा है कि मतलब हर राइड में टाइम तो लग रहा है, क्योंकि 1 घंटा ऑलमोस्ट वेटिंग टाइम ऑलमोस्ट हर राइड में लग रहा है. तो वीकडेज़ में आने से यही फ़ायदा होता है कि थोड़ा रश कम होता है एंड यू कैन डू मोर राइड्स. बट कोई नहीं, जो भी है आई एम एंजॉइंग. यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह है. लोगों ने बहुत सर घूमने वाला राइड कर लिया था तो हमें लगा थोड़ा रिलैक्सेशन वाला राइड चाहिए, तो इसीलिए ये कम वाला हमने ट्राई किया. जस्ट जाए और जाके बैठ जाना था और उसके बाद हम लोग चल दिए पोर्टुगल की तरफ, जो कि बहुत खूबसूरत वे में सजाया हुआ था. एज यू कैन सी हियर के जैसे हर्ट्स वगैरह दुकान वगैरह बना हुआ है यहाँ पर. बहुत ही प्यारा लग रहा था यहाँ से तो सब कुछ. तो हम लोग सोच रहे इस वाटर वाले राइड में चले, बट वी हैव टू सी के वेटिंग टाइम कितना है इसका, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं. मतलब दिन में आप कितना ही मतलब वेट कर पाओगे, एक दिन में आप मैक्सिमम 5 राइड कर पाओगे,
जो राइड सबसे ज़्यादा फेमस है, ऐसे 5 राइड ही कर पाओगे, वरना हर हर राइड के लिए ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स, किसी के लिए 1 आवर वेटिंग टाइम है, तो वो थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो अभी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, वो देखिए और एक रोलर कोस्टर है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं, उसमें भी बहुत वेटिंग टाइम है। मुझे और रोलर कोस्टर में नहीं कर सकती, बट मुझे ये पानी वाला करना था, इसमें भी बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम है, तो इसको भी हम लोग स्किप कर गए। और अभी जस्ट रोम कर रहे हैं, और यहाँ पे अभी आपको एक दिखा होगा बड़ा सा बोट वाला, जो इंडिया में भी होता है, इंडिया के मेलों में भी मिलता है, वो भी वो वाला हमने ट्राई किया, क्योंकि उसका वेटिंग टाइम बहुत कम था और चिल था थोड़ा, तो सोचा कि क्यों ना उस पर चलते हैं, उस पर ट्राई करते हैं। वो जो एक है वो और एक रोलर कोस्टर है उधर, वो भी बहुत ख़तरनाक है, तो मैं और रोलर कोस्टर के मूड में नहीं हूँ अभी, मुझे भूख लगा है, आई नीड टू ईट समथिंग। और अगर खाने के बाद थोड़ा मुझ में एनर्जी बची तो इस वाले में मैं जा सकती हूँ, बट इट्स नॉट डिसाइडेड कि वी विल गो देयर और नॉट येट। तो पहले चलिए चल के खाना खाते हैं, उसके बाद फिर घूमते हैं। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सब नॉर्डिक फिश मार्केट बना हुआ है, मतलब सजाया हुआ है उनकी तरह। अभी हम लोग जा रहे हैं पुर्तगाल। 4 मेन रोलर कोस्टर है यहाँ का, जिनमें से 2 हम लोग कर चुके हैं और मन ही कर रहा है और 2 करने का। उनमें से एक जो है वो थोड़ा डरावना भी लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, एक वाटर वाला राइड है वो करने के लिए। तो ये वाला राइड करने के लिए जा रहे हैं अभी, पर इसका एंट्रेंस ढूंढना पड़ेगा। तो अभी हम लोग आए हैं स्पेन में, यहाँ पे एक राइड करेंगे। बहुत खाली खाली है स्पेन, शायद ज़्यादा अच्छा राइड्स है नहीं यहाँ पे। फ्रांस में है वो, था यहाँ का वॉशरूम्स। तो ये वॉशरूम है, तो जो जो थीम पार्क है, जो जो जहाँ जिसका थीम है, वॉशरूम भी उसी थीम में ही बनाया गया है, तो वो बहुत प्यारा लग रहा था। अभी भी हम लोग स्पेन में ही है, तो कुछ खास स्पेन में दिख नहीं रहा है, फिर निकलेंगे यहाँ से। Yeah.
जगह देख के आप लोगों को लग रहा होगा हम लोग कहाँ पे हैं। तो हम लोग अभी ग्रीस वाले पार्ट में हैं। और एक वाटर राइड करने आई थिंक हम लोग जा रहे हैं। इसका वेटिंग टाइम अच्छा खासा होगा। तो हो गया हमारा यूरोपा पार्क देखना। बहुत बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा है क्योंकि सुबह 4 बजे उठे हैं हम लोग, तो थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं। 6 बजे पार्क बंद होता है, अभी 5 बजे 5 बज रहा है तो हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि बस है 1:05 बजे को। तो चलिए फिर मिलते हैं, फिर कहीं नई नई जगह जाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।